हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे द बादशाह ऑफ बॉलीवुड मिस्टर शाहरुख खान की कमबैक मूवी के अनाउंसमेंट के बारे में। सो इस न्यू मूवी का नाम होने वाला है किंग, जो कि शाहरुख खान की पर्सनैलिटी को पूरा का पूरा सूट करता है। और ये एक एक्शन पैक्ड मूवी होने वाली है, जो कि 2025 में थिएटर्स में रिलीज की पूरी तैयारी पर है। इस कमबैक मूवी की एक और खास बात यह है कि इस मूवी में शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान का फादर और डॉटर का डुओ आपको देखने को मिलेगा। ये मूवी ह्यूज 200 करोड़ के बजट में बन रही है। पहले रूमर्स ये आ रहे थे कि इस मूवी में सुहाना खान मेन लीड में होंगी और शाहरुख खान का केमियो होगा, बट अब जो बाकी की न्यूज़ आ रही है इस मूवी के बारे में, उससे ये साफ हो चुका है कि मेन लीड कोई और नहीं, सिर्फ बादशाह ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान ही करेंगे इस मूवी में। लास्ट ईयर 2023 में शाहरुख खान ने 3 बड़ी हिट मूवीज दी थी, और अब नेक्स्ट ईयर 2025 में वो वापस कमबैक कर रहे हैं अपनी इस धमाकेदार मूवी के साथ। द किंग मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं मिस्टर सुजॉय घोष, जिनकी आपने अभी तक थ्रिलर मूवीज देखी होंगी, जैसे कि विद्या बालन स्टारर कहानी, बदला और करीना कपूर स्टारर जाने जा। और इस मूवी में ग्लोबल स्केल का एक्शन सीन्स दिखाने की पूरी तैयारी की जा रही है, और एक्शन सीक्वेंसेस को डायरेक्ट करेंगे मिस्टर सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने शाहरुख खान की लास्ट मूवी पठान के भी एक्शन सीक्वेंसेस को डायरेक्ट किया था। सुहाना खान ने लास्ट ईयर ही अपना एक्टिंग डेब्यू किया था द आर्चीज के थ्रू, और ये उनकी फर्स्ट बिग स्क्रीन आउटिंग होने वाली है। र्यूमर्स की माने तो मूवी में शाहरुख खान एज अ मेंटर एक्ट करेंगे अपनी बेटी सुहाना खान के लिए, और ये मूवी बेस्ड हो सकती है अराउंड 1994 के एरा में। तो मुझे तो पर्सनली बोला जाए तो द आर्चीज में सुहाना की एक्टिंग थोड़ी सी वियर्ड, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बबली बनाने की कोशिश की गई थी, ऐसा लगा था। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको द आर्चीज में सुहाना खान की एक्टिंग कैसी लगी थी। पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फादर एंड डॉटर डुओ को साथ में एक्टिंग करते हुए देखने के लिए। क्या आप भी एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, दिस वॉज माई रिव्यू फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द मूवी किंग। सो सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम।